बाहर कितने सारे पत्ते हैं, पत्तों का भरमार है। यहाँ पे आप देखेंगे वो रतनसराय रेलवे स्टेशन है ये आपको। दोस्तों हर कोई जानता है कि पंकज त्रिपाठी जी का गांव मतलब कि रतनसराय रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर पे है, आप कह सकते हैं कि जस्ट बगल में ही है। और आज हम यहाँ पे आए तो सोचा क्या कि रतनसराय रेलवे स्टेशन का नज़ारा आपको दिखाएं, रतनसराय रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है वो हम आपको दिखाएं। काफ़ी दिन पहले एक वीडियो बनाई थी बट यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि उस समय और अभी में क्या डिफरेंसेस हो गई हैं। अभी तो मैं और ट्रैक पे चल रहा हूँ और हमारे साथ यहाँ पे माई डियर जिंदगी के होस्ट आफ्ताब परवेज भाई हैं, हमारे मित्र हैं, और आगे जो है वो गोप्रो से शूट कर रहे हैं। और मेरे पास गोप्रो नहीं है बट मैं अपने कैमरे से शूट कर रहा हूं, तो बैक कैमरे से यहां का नज़ारा आपको दिखा रहा हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां सामने रतनसराय रेलवे स्टेशन है और यहीं के हैं बेसिक जो है यहीं के पंकज त्रिपाठी जी हैं और हम अभी ट्रैक पर चल रहे हैं। हालाँकि कोई ट्रेन नहीं आएगी, आपको तो पता है ना कि पंकज त्रिपाठी जी कौन बनेगा करोड़पति में गए हुए थे तो 8 बजिया ट्रेन के बारे में बताए थे और रतनसराय रेलवे स्टेशन के बारे में बताए थे, तो यही वो रतनसराय रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे आपको मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा, दिखाऊँगा। और अभी जो है यहाँ पे आप ट्रैक पे देख सकते हैं थोड़ी सी गंदगी है और आफ्ताब परवेज भाई यहाँ पे वीडियो गोप्रो से शूट कर रहे हैं और आप पीछे में रतनसराय रेलवे स्टेशन है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो सोचा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना करके आप सभी को दिखाऊँ। ये है रतनसराय रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रतनसराय रेलवे स्टेशन है, ये पुराना है और ये नया बना हुआ है, ठीक है। आप इधर से भी जा सकते हैं अंदर जाएंगे तो, और ये है आपका जो नया वाला बना है और चारों तरफ जो है अभी काम चल रहा है। यहाँ पे हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिल जाता है तो ऊपर चलते हैं। बहुत पहले हम इस पर एक वीडियो बनाए थे, आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि रतनसराय किराया सूची है और 5 बजे के आसपास, यानी 4:30 बजे के 5 बजे के आसपास। तो यहाँ पे आप फेयर भी देख सकते हैं और ये काउंटर है जो कि अभी फ़िलहाल जो है बंद है। और अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नया बना हुआ है, ठीक है। स्टेशन अध्यक्ष का ये है, ठीक है, ये तो सारे लोग जानते हैं, आग के लिए होता है। और ये अंदर हम चलते हैं, उसके बाद यहाँ से बाहर ये आपको वेटिंग सीट है, आप वेट बैठ करके ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। ऊपर में ओवर ब्रिज से आप जाएंगे, पैदल पुल है जो कि आपको दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने को मिल जाता है। और यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी बड़ा ये है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पैदल पुल से आप वहाँ उतरेंगे और चले जाएँगे दूसरे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और ये रतनसराय का रेलवे स्टेशन है। मैं आगे चलता हूं, यहां पे आपको दिखाऊंगा जो पुराना वाला स्टेशन है वो यहां पे है और ये भी आपको रतनसराय यहां पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहां पे ये रतनसराय है रेलवे स्टेशन। यहां भी टिकट काउंटर था बट ये बंद हो चुका है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं रतनसराय रेलवे स्टेशन है और यहां पे देहात का ये जंक्शन तो नहीं कहेंगे स्टेशन है, जिसके पास से यहाँ पे बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ। और आफ्ताब भाई वहाँ पे गोप्रो लेकर के अपना कुछ काम कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए दूर दूर तक कहीं भी आपको गांव नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे जो हम लोग की टीम है जिसमें यूसुफ भाई हैं, आफ्ताब भाई हैं, ये लोग भी हमारे साथ हैं।